जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सुंड वाले विशाल शरीर काय करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। हेलो एवरीवन, आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 में यहाँ 5 ब्लैंक्स मतलब कि 5 रिडल्स मतलब पहेलियाँ तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग 6-1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, उससे पहले मैं ये 5 रिडल्स है उसके आंसर बता देती हूँ और रिपीट कर रही हूँ। ये 5 रिडल्स है उनको रिपीट कर देती हूँ। ओके, फर्स्ट वन है, आई एम अ स्मॉल एंड फूरी पेट, मतलब मैं छोटा सा पालतू जानवर हूँ। आई लव टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। आई लाइक टू चीज मैच, मतलब मुझे चूहे का पीछा करना पसंद है। आई एम अ डैश, मतलब कि मैं कौन हूँ, केट। तो फर्स्ट वन में आपको लिखना है केट, CAT। नेक्स्ट सेकंड वन, आई हैव विंग्स बट आई एम नॉट अ बर्ड, मेरे पास पंख है पर मैं बर्ड नहीं हूँ। आई एम अ स्मॉल एंड कलरफुल, मैं स्मॉल यानी छोटा सा और बहुत कलरफुल हूँ। आई लिव इन गार्डन्स फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, आई एम अ डैश, मतलब मैं गार्डन्स खेत फील्ड्स मतलब खेत और फॉरेस्ट मतलब जंगलों में रहता हूँ। तो आई एम अ डैश मतलब कौन है वो, बटरफ्लाई। तो आपको सेकंड वन का आंसर लिखना है बटरफ्लाई। नेक्स्ट थर्ड वन, आई प्रे ऑन अदर एनिमल इन अ डार्क, मतलब मैं अंधेरे में दूसरे एनिमलों का शिकार करता हूँ। आई हैव शार्प टीथ एंड यूज मैन, आई एम द किंग ऑफ फॉरेस्ट, मैं जंगलों का राजा हूँ। आई एम अ लायन, मतलब कि थर्ड वन में आपको आंसर लिखना है लायन, LION, लायन। नेक्स्ट फोर्थ वन, आई एम वेरी व्यूज, मतलब कि मैं बहुत बड़ा हूँ। आई लाइक टू ईट फ्रूट्स लीव्स एंड हे, मतलब कि मुझे फ्रूट पत्ते और घास खाना पसंद है। आई हैव टू बिग ईयर्स टस्क एंड अ ट्रंक, मतलब कि मेरे पास दो कान टस्क यानी कि दांत और सूंड है। आई एम एन अ डैश, मतलब कि वो कौन सा एनिमल है, एलिफंट। तो फोर्थ वन का आंसर आपको लिखना है एलिफंट। नेक्स्ट फिफ्थ वन, आई हैव फेदर्स, मतलब कि मेरे पास पंख है। आई ईट ग्रेन्स सीड्स एंड वर्म्स, मतलब कि मैं अनाज बीज और कीड़े खाता हूँ। आई ले ईग्स, मतलब मैं अंडे देता हूँ। आई एम डैश, तो वो कौन सा एनिमल है जो अंडे देता है फिर अनाज बीज और कीड़े खाता है और उनके पास पंख भी है। तो क्या आंसर आएगा, हेन। तो आपको फिफ्थ वन में आंसर लिखना है हेन, HEN। ओके, नेक्स्ट सिक्स वन, आई कैन स्लीप वाइल स्टैंडिंग एंड ईट ग्रास, मैं खड़े खड़े सो सकता हूँ और घास खा सकता हूँ। आई हैव हुप्स एंड द लॉन्ग टेल, मेरे पास हुप्स एंड लंबी पूंछ है। आई एम डैश, मतलब कि मैं कौन हूँ, उसमें हमें आंसर लिखना है ब्लैंक में, मतलब कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो खड़े खड़े सो सकता है, घास खा सकता है एंड उनके पास हुफ एंड लंबी पूंछ है। तो वो कौन सा एनिमल है, कौन सा एनिमल है, हॉर्स, HORSE, हॉर्स। ओके, जो खड़े खड़े सो सकता है, घास खाता है एंड उनके पास हूफ एंड लंबी पूंछ है। तो यहाँ लिखना है 6-1 का आंसर हॉर्स, आई एम अ हॉर्स, HORSE। आई कैन स्लीप वाइल स्टैंडिंग एंड ईट ग्रास, आई हैव हूफ्स एंड अ लॉन्ग टेल,
I am a horse. HORAC, horse. तो सिक्स वन ब्लैंक में आपको लिखना है हॉर्स. नेक्स्ट सेवंथ वन, आई मूव ऑन माई टमी, मतलब कि मैं टमी की हेल्प से चलता हूँ. आई हैव फ्रेंक्स एंड सेलो माई फूड, मतलब कि मैं खाने को निगलता हूँ. आई स्केयर सम पीपल, मतलब कि मैं लोगों को डराता हूँ. आई एम अ डेस, मतलब कि मैं कौन हूँ, मतलब कि वो ऐसा कौन सा एनिमल है जो लोगों को डराता है और खाने को निगलता है और वो टमी की हेल्प से चलता है. तो वो कौन सा एनिमल है? यस, कौन सा एनिमल है टमी की हेल्प से चलता है? स्नेक, SNAKE, स्नेक. ओके, स्नेक है, वो टमी की हेल्प से चलता है और वो क्या करता है? खाने को निगलता है. ओके, एंड वो हमें डराता है. यहाँ आपको लिखना है स्नेक, SNAKE. I am a snake. I move on my tummy. I have fangs and swallow my food. I scare some people. I am a snake. SNAKE, snake. तो सेवंथ ब्लैंक में लिखना है, सेवंथ वन में लिखना है स्नेक. नेक्स्ट एट वन, I am colorful but not a rainbow. मैं बहुत कलरफुल हूँ मगर रेनबो नहीं हूँ. आई एम अ बर्ड एंड लव्स टू टॉक इमिटेड, मैं एक बर्ड हूँ और मुझे बातें एंड नकल करना पसंद है. आई लाइक रेड चिलीज, मतलब मुझे लाल मिर्च बहुत पसंद है. आई एम अ डेस, आई एम अ कलरफुल बट नॉट अ रेनबो, बहुत कलरफुल है बट रेनबो नहीं है. I am a bird and loves to talk and imitate, मतलब कि वो एक बर्ड है जिसे बातें और नकल करना पसंद है. I like red chilies, मतलब कि उन्हें लाल मिर्च पसंद है. तो वो कौन सा है जिसे लाल मिर्च पसंद है, बातें करना पसंद है एंड नकल करना पसंद है, एंड वो बहुत कलरफुल है. तो नेक्स्ट वन, एट वन का आंसर है पैरोट. पैरोट है, वो बहुत कलरफुल होता है एंड उन्हें बातें करना एंड नकल करना पसंद है और उन्हें रेड चिलीज मतलब कि लाल मिर्च पसंद है. आपको एट वन ब्लैंक में लिखना है पैरोट, PARROT. लास्ट नाइन्थ वन, आई लिव इन लेक्स एंड रिवर्स, मतलब कि मैं लेक्स एंड रिवर में रहता हूँ. आई ईट फिश एंड बर्ड्स, मैं मछली और पक्षियों को खाता हूँ. I have lots of pretty teeth. मेरे बहुत सुंदर दांत है. I am a dash, मतलब कि who I am, मतलब कि मैं कौन हूँ. मैं लेक्स और रिवर में रहता हूँ, मतलब कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो लेक्स और रिवर में रहते हैं, फिश एंड बर्ड्स को खाते हैं और उनके बहुत सुंदर दांत होते हैं. यस, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल है वो लेक्स एंड रिवर में रहते हैं और वो क्या खाते हैं, फिश और बर्ड्स को. ओके, एंड उनके बहुत प्रीटी टीथ होते हैं, मतलब बहुत सुंदर दांत होते हैं. लास्ट वन में आंसर आएगा क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल. ओके, आई लिव इन लेक्स एंड रिवर्स, आई ईट फिश एंड बर्ड्स, आई हैव लॉट्स ऑफ प्रीटी टीथ, आई एम अ क्रोकोडाइल. तो लास्ट वन, नाइन्थ वन का आंसर लिखना है क्रोकोडाइल. तो चैप्टर नंबर 10 के सभी ब्लैंक्स के आंसर, सभी रिडल्स के आंसर आपको आपकी लर्न वेल में कंप्लीट करने हैं. ओके, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है. थैंक यू एवरीवन.